फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर के महान नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग को एज ए नॉवलिस्ट स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है, हेनरी फील्डिंग वॉज बॉर्न इन 1707 इन समरेस इंग्लैंड। हेनरी फील्डिंग का जन्म 1707 में समरेस में इंग्लैंड में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज एडमंड फील्डिंग। उनके पिता का नाम एडमंड फील्डिंग था। ही वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट एंड प्ले राइटर। वे एक महान उपन्यासकार और लेखक थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। इट इज़ ट्रू डेट बिफोर फील्डिंग मैनी नॉवलिस्ट हैड रिटन मैनी नॉवल्स। ये सच है, फील्डिंग से पहले काफ़ी नॉवलिस्ट ने काफ़ी नॉवल लिखे। बट नन ऑफ देम डिजर्व टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। मगर उनमें से कोई भी फादर ऑफ इंग्लिश कहने के काबिल नहीं था। इट वॉज फील्डिंग हु गेव अ प्रॉपर शेप टू द इंग्लिश नॉवल। ये फील्डिंग थे जिन्होंने इंग्लिश नॉवल को एक सही आकार दिया। ही प्रिपेयर द थ्योरी ऑफ नॉवल राइटिंग। उन्होंने नॉवल राइटिंग की थ्योरी तैयार की। ही मेड इन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल्स। उन्होंने नॉवल के डेवलपमेंट में बेशकीमती योगदान दिया। ही मेड द नॉवल एन अफेक्टिव वेपन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म एंड कलर्ड हिज राइटिंग्स विद अ वेरी सीरियस पर्पज। उन्होंने नॉवल को सामाजिक आलोचना का एक प्रभावी हथियार बनाया और अपनी राइटिंग को एक बहुत ही गंभीर मकसद के साथ रंग दिया। ऑन ऑल दिस बेसिस, इन सारे आधार पर वॉल्टर स्कॉट राइटली कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। वॉल्टर स्कॉट ने ठीक ही उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा है। नेक्स्ट हेडिंग है, फील्डिंग एज अ नॉवलिस्ट। हेनरी फील्डिंग हैज अ ग्रेट प्लेस अमंग हिज कंटेम्प्रेरी एज नॉवलिस्ट। हेनरी फील्डिंग का उनके साथ के नॉवलिस्ट में एक महान स्थान था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट ऑफ द 18th century। वे 18वीं सदी के सबसे मशहूर नॉवलिस्ट में से एक थे। ही होल्ड्स एन इफेक्टिव पोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वे इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में एक प्रभावी स्थान रखते थे। ही रोट मैनी ग्रेट वर्क्स डैट वर अप्रिसिएटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड डैट कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मास्टरपीस। उन्होंने कई महान रचनाएं लिखी जिन्हें उनकी ज़िंदगी के दौरान काफ़ी तारीफ मिली और जिन्हें आज भी मास्टरपीस के रूप में पहचाना जाता है। टॉम जोन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल ऑफ फील्डिंग। टॉम जोन्स फील्डिंग के सबसे मशहूर नॉवल में से एक है। दिस नॉवल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फील्डिंग्स रियलिटी। ये नॉवल फील्डिंग की हकीकत का एक एग्जाम्पल है। ही डिस्क्राइब्स हिज थॉट्स इन दिस नॉवल ब्यूटिफुली। उन्होंने इस नॉवल में अपने थॉट्स को खूबसूरती से जाहिर किया है। फील्डिंग हैड बीन आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा गया है। द टाइटल इज़ गिवन फॉर अ फ्यू रीजंस। ये टाइटल कुछ वजहों से दिया गया है। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट डैट वी नो बाई नेम। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल्स बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स। वे पहले अंग्रेजी नॉवलिस्ट में से एक हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। उन्हें उनकी कामयाबियों की वजह से फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा गया है। नेक्स्ट हेडिंग है, हिज कंट्रीब्यूशन। हेनरी फील्डिंग्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट वर्थी। हेनरी फील्डिंग का कंट्रीब्यूशन ध्यान देने के काबिल है। ही गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा योगदान दिया है। ही गेव टू द नॉवल अ ग्रेट स्कोप। उन्होंने नॉवल को एक बड़ा दायरा दिया है। ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन स्कॉट कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। उनके महान योगदान की वजह से स्कॉट ने उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा है। नॉट ओनली डिड ही गिव इंग्लिश नॉवल्स अ न्यू ड्रेस बट अ न्यू बॉडी एंड न्यू सोल। उन्होंने न केवल इंग्लिश नॉवल को एक नया पहनावा दिया बल्कि एक नया जिस्म और एक नई रूह दी है। फील्डिंग वॉज एन एम्बिशियस पर्सन। फील्डिंग एक उमंगी इंसान थे। देयर कैन नो डाउट अबाउट हिज इंटेलेक्चुअल एंड द रेंज एंड डेप्थ ऑफ हिज नॉलेज। उनकी अकलमंदी और उनकी नॉलेज की सीमा और गहराई के बारे में कोई शक नहीं हो सकता है। ही गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश वर्ल्ड। उन्होंने अंग्रेजी जगत को एक नई दिशा दी। सर्टेनली फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल्स बिकॉज हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश नॉवल्स कैन नेवर बी ओवर एस्टिमेटेड। यकीनन फील्डिंग इंग्लिश नॉवल के जनक हैं
क्योंकि इंग्लिश नॉवल में उनके योगदान का कभी भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ही ऑल्सो गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू रीडर्स एज अ टीचर। उन्होंने एक टीचर के रूप में भी रीडर्स को बड़ा योगदान दिया है। ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन हिज एसेज वेरी क्लियरली सो दैट द पीपल मे मेक देयर रियल लाइफ यूजफुल एंड हैप्पी। उन्होंने अपने थॉट्स को अपने नॉवल्स में बहुत साफ तरह से पेश किया है ताकि लोग अपनी हकीकी ज़िंदगी को यूज़फुल और खुशहाल बना सकें। नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टराइजेशन। हेनरी फील्डिंग इज़ द क्रिएटर ऑफ द नॉवल ऑफ करेक्टर। हेनरी फील्डिंग नॉवल्स के करेक्टर के क्रिएटर हैं। इन हिज नॉवल्स द करेक्टर ऑफ द नॉवल्स आर ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी एज टॉम हु इज़ एन ऑर्फन इन टॉम जोन्स नॉवल। उनके नॉवल्स में नॉवल्स के कैरेक्टर्स अक्सर सिंपल हैं, जैसे टॉम जो टॉम जोन्स नॉवल में एक अनाथ है। ही ब्रीथ लाइफ इन टू हिज कैरेक्टर्स। उन्होंने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। ही ऑफर्ड द नॉवल विद अ ग्रेट क्राउड ऑफ लाइवली एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। उन्होंने नॉवल्स को जिंदा और दिलचस्प कैरेक्टर की एक भीड़ के साथ पेश किया है। दे आर कंपाउंडेड ऑफ बोथ गुड एंड इविल एलिमेंट्स। वे अच्छे और बुरे दोनों तत्व से मिलकर बने हैं। लाइक शेक्सपियर ही पोर्ट्रेट्स ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स एज रियल ह्यूमन बींग्स। शेक्सपियर की तरह वे सभी तरह के इंसानों की एक तस्वीर खींचते हैं, सच्चे इंसानों की तरह। फील्डिंग्स हीरोज आर ह्यूमन बींग विद ऑल द वीकनेस ऑफ ऑर्डिनरी मैन हु आर नॉट एंजल्स नॉट डेविल्स। फील्डिंग के नायक आम आदमी की सभी कमजोरी के साथ इंसान हैं, जो ना फरिश्ते हैं और ना शैतान हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल हीरोज हु आर शोन आर्टिफिशियली विदाउट एनी इविल एंड वीकनेस। वे पारंपरिक नायकों से अलग हैं, जिन्हें दिखावटी रूप से बिना किसी बुराई और कमजोरी के दिखाया जाता है। नेक्स्ट रीडिंग है हिज स्टाइल। हेनरी फील्डिंग इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर हिज स्टाइल। हेनरी फील्डिंग इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में अपने स्टाइल के लिए मशहूर हैं। इट इज़ बिलीव डैट ही हैड मोर देन वन स्टाइल। ऐसा माना जाता है कि उनकी एक से बढ़कर एक स्टाइल थे। एक्चुअली ही चेंज्ड हिज स्टाइल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द नॉवल। दरअसल उन्होंने नॉवल की स्टोरी के हिसाब से अपने स्टाइल को बदला है। हेनरी फील्डिंग हैज़ वाइडली बीन रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज फिलोसफी बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज नॉवल स्टाइल। हेनरी फील्डिंग को न केवल उनके फिलोसफी की वजह से बल्कि उनकी नॉवल स्टाइल की वजह से भी पूरी दुनिया में एक बड़े पैमाने पर पढ़ा गया है। देयर आर सर्टेन स्टाइलिक क्वालिटीज इन फील्डिंग्स नॉवल ड्यू टू विच ही गेंड फैम। फील्डिंग के नॉवल में कुछ स्टाइलिक क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उन्हें शोहरत मिली। जनरली ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। आमतौर पर उन्हें अंग्रेजी नॉवल के पिता के रूप में जाना जाता है। ही डज नॉट ओनली लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश नॉवल्स बट ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रॉपर राइटिंग स्टाइल। उन्होंने न केवल इंग्लिश नॉवल की नींव रखी बल्कि एक मुनासिब राइटिंग स्टाइल भी बनाया। फील्डिंग इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द चार्म इन हिज स्टाइलिक क्वालिटीज़। फील्डिंग अपने स्टाइल क्वालिटी में आकर्षण की वजह से भी मशहूर हैं। इंडीड नॉवल स्टाइल ऑफ फील्डिंग इज़ रिमार्केबल। यकीनन फील्डिंग के नॉवल स्टाइल याद रखने के काबिल हैं। नेक्स्ट रीडिंग है द मेन क्वालिटीज ऑफ हिज नॉवल्स। द मेन क्वालिटीज ऑफ फील्डिंग्स नॉवल्स आर दैट ऑल हिज नॉवल्स आर फुल ऑफ मीनिंगफुल स्टोरीज। फील्डिंग के नॉवल की मेन क्वालिटी यह है कि उनके सभी नॉवल्स मीनिंगफुल स्टोरी से भरे हुए हैं। हिज एवरी नॉवल हैज़ गॉट इट्स ओन डिफरेंट प्लेस। उनके हर नॉवल का अपना अलग स्थान है। ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट। उन्हें अंग्रेजी के महान नॉवलिस्ट में से एक माना जाता है। ही इज़ द नॉवलिस्ट ऑफ सच नॉवल टॉम जोन्स। वे टॉम जोन्स जैसे नॉवलिस्ट हैं। He mostly wrote about the real life of the people in his novels of his time. उन्होंने अपने समय के नॉवल्स में ज़्यादातर लोगों के वास्तविक जीवन के बारे में लिखा है। Today he is remembered and respected because of his great style and qualities. आज उन्हें उनकी महान स्टाइल और क्वालिटीज़ की वजह से याद किया जाता है। His beautiful stories, good words and idioms give a lot of meaning to his readers.
उनकी ब्यूटीफुल स्टोरीज, गुड वर्ड्स और मुहावरे उनके सभी रीडर्स को बहुत मतलब देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।